इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एलईडी की स्क्रिप्ट है। एक एलईडी खोली है, इसमें अलग टाइप की निकली है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें। साथ ही जो एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है उसको इग्नोर करें। ये 40 इंच की एलईडी है, उसकी बैकलाइट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखेंगे। ये मैं सप्लाई ऑन कर लेता हूँ एक बार, इसको चेक करना है। ये सप्लाई आ गई है, ये सप्लाई चालू है। ये मैंने बैकलाइट टेस्ट बनाया है, जिसमें देखो ये वोल्टेज अभी शो कर रहा है। ये अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। ये प्लस है, ये बंद बता रही है एक, और ये एकदम लास्ट पीछे से चेक कर लेता हूँ एक बार। ये पीछे चालू है, ये दो लाइट ही चालू है, इसके बीच में और होगी तो कोई पॉइंट नहीं है इसको चेक करने के लिए। ये प्लस है, ये दो चालू है, इसके साथ में ये इसके अंदर अलग टाइप का ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, ये माइनस और प्लस है। ये तीन सेट चालू है, ये चालू है, ये तीन एलईडी है, ये चालू पीछे का भाग। यानी इसके अंदर एक पट्टी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलईडी का बना हुआ, इसके दो भाग है। यानी तीन का सेट अलग है और तीन का सेट अलग है। एक ये है और वापिस ये टोटल होके 20 एलईडी है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भी बंद बता रही है, यहाँ से चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये बंद बता रही है, पीछे से नहीं है। इसका कितना चालू है, ये दो चालू है, इसका दो चालू है प्लस, ये दो ही चालू है। ठीक है, ये दो दो का सेट बनाए हुए हैं मेरे हिसाब से। एक बार तो भी कंफर्म कर लेता हूँ क्या कंडीशन है। कहीं इसकी नहीं है, इसकी भी दो ही चालू है। यानी ये सेट पूरा चालू है, लेकिन ये तीन तीन का बनाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। और दूसरा और है, एक मिनट सप्लाई बंद कर लेता हूँ इसकी। इस टाइप का ये दोनों साथ की है और साथ में सेंटर में ये दोनों जंप की हुई है। इसमें दो सप्लाई इनपुट है,
एक सेट यहाँ इन होता है, इन और इनके साथ में अटैच है, ये तीन ये हो गए और सात, यानी दस का एक सेट बनता है। इसके अंदर भी एक दस का सेट बनता है, उसके हिसाब से दस दस का सेट बनता है, यानी एक 5 वोल्ट की एलईडी है। इस बात का ध्यान रखे आप, ये असेंबल है एलईडी मेरे पास में, सोनी लिखा हुआ है इसके ऊपर, TP56 का मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। ये एक अलग चक्का है मेरे पास में, ये एलईडी का स्ट्रिप मिली है। ये बाजार में मिलती है कि नहीं मिलती है ये कंफर्म कल होगा, जब बाजार जाएंगे तब तब। उसके अलावा अगर नहीं हुआ तो फिर ये एक 5 वोल्ट के आसपास बता रही है, जबकि ये एलईडी 3 वोल्ट के आसपास है, ये दूसरी है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन बता रहा है, ताकि पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 13 बता रहा है, यानी 13 वोल्ट की सप्लाई देखना, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 12-13 वोल्ट है और इसमें कितना बता रहा है देखना आप, 2 का समझो 10 वोल्ट के आसपास है, यानी 5-5 वोल्ट की एलईडी है, एक एलईडी 5 वोल्ट की, यानी ये 50-50 का लोड दिया हुआ है, 50-50 वोल्ट का अलग अलग दो भाग है। इसमें 10-10 का सेट बनाया हुआ है एलईडी का, एक 5-5 वोल्ट के हिसाब से, ये 7 हो गई, इसमें से 3 इसका आधा भाग है, 3 होगी तो ये 10 ये हो जाएगा, इसका आधा भाग और 3 ये होगी 10 हो जाएगा, इस हिसाब से ये सेट बनाया हुआ है। आपको सब गिनती करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये पूरा कंप्लीट 20 का सेट है, जिस प्रकार से ये बना हुआ है। आप जब भी एलईडी खोले तब इस बात का ध्यान रखें कि अंदर स्ट्रिप कैसी लगी हुई है और कितने वॉट की, ये आपको कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो आप उल्टा काम करोगे। आप बाजार से लेके आ जाओगे, बाजार वाला ऐसे ही दे देगा, अंदर क्या सिस्टम है, इसके अंदर आधा भाग है, कई कोई अलग अलग सप्लाई चल रही है, इसके मान लो 6 का सेट है, 3-3 का सेट हो गया, उसके हिसाब से आपको बाजार से खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। अगर आपके पास में डिजिटल ये टेस्टर नहीं हो, ये मैंने खुद हाथ से बनाया है, इसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के लगा दूंगा, 2-3 दिन के अंदर ये वीडियो अलग से बना दूंगा। ये आपको ये आपके सामने एक कंप्लीट चेक कर रहा है कि कितने वोल्ट की है, आपको पता लग जाएगा। इसमें 4 एलईडी है, इसका अलग अलग ये कर लेना, देखना, यानी 9 या 10 वोल्ट के आसपास है, ये ऐसे दिखा रही है, ये देखो 12 वोल्ट है, ये आपको पता लग जाएगा कि एलईडी का कितना क्या वोल्टेज है। मैं इसी से ये चेक करता हूँ, ये बंद और चालू करने का ये भी अलग से लगा रखा है, ये कंप्लीट काम करता है, बहुत लंबे समय से यही मैं इससे ही काम लेता हूँ, कोई बाजार से अलग से नहीं खरीदा। अगर आप बोलोगे तो ये मैं अलग से बना के आपको दिखा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। थैंक यू इतने टाइप हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें।